जय हिंद। अक्सर आपको देखने को मिल जाता है कि किसी भी बड़े विवाद में या हमले में या फिर घोटाले में राजनेताओं का हाथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल जाता है। तो किसी भी देश को, राज्य को या विश्व को चलाने के लिए राजनीति की और राजनेताओं की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है? अगर राजनेता ना हो और ये संविधान ना हो तो क्या हमारे देश को या हम लोग ऐसे ही नहीं चल सकते हैं? आखिर ये संविधान को बनाने की क्यों आवश्यकता है? हम ऐसे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं? ये सब बाध्यता क्यों? तो दोस्तों, इन सब प्रश्नों का हम जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे और हम ये देखेंगे कि राजनीति क्या है और राजनीति की आवश्यकता और इसकी शुरुआत कैसे हुई। फिर हम इसी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि संविधान क्या है और आखिरकार इसकी आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि जो भारतीय संविधान है, तो जो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था बनकर, तो उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जबकि एक भी संविधान संशोधन नहीं हुआ था। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करें तो 466 अनुच्छेद, 22 की जगह पर 25 भाग हैं और 8 की जगह पर 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं, जबकि संविधान संशोधन 104 हो चुके हैं। आपने 2017 में देखा होगा कि GST यानी कि वस्तु और सेवा कर को लागू किया गया था। ये भी 101 संविधान संशोधन के तहत भारत में लागू किया गया था। तब दोस्तों, क्या होता है कि जो संविधान बनाया जाता है, तो यहाँ पर जब संसद में बैठकर नियमों को बनाया जाता है और फिर इन्हें लागू किया जाता है, तो ये नियम कैसे बनते हैं? तो आप जानते हैं कि अगर विश्व यानी कि वर्ल्ड के लेवल पर अगर कोई कानून बनाता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाती है, और अगर देश के लेवल पर बनाती है तब तो उसे हम कहते हैं संघ सरकार बनाती है, यानी कि संघ। अब अगर राज्य के स्तर पर बनाती है तो राज्य सरकार बनाती है, विधानमंडल में बनता है, और अगर किसी गांव में अगर बनाना है कोई नियम तो वहां पर ग्राम पंचायत सदस्य का एक मुखिया होता है और ग्राम पंचायत सदस्य मिलकर उस नियम को वहां के परिस्थिति के अनुसार नियम को बनाते हैं और उस पर फॉलो करते हैं लोग। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो एक अखंड वर्ड हमारे संविधान में है, संविधान में एक चीज है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है कि जो वर्तमान समय में हमारे प्रस्तावना में 10 वर्ड ऐसे हैं जो अपने मायने रखते हैं, और जब हमारा संविधान बनकर जब लागू हुआ था तो उस वक्त 7 थे, तो एक वर्ड उसमें था अखंड। तो अखंडता का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि जो भारत देश एक विशाल देश था, लेकिन आज इसका भूभाग जो लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये पहले और भी बहुत बड़ा था। जैसे आप जानते हैं कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, इसी देश का एक हिस्सा थे, लेकिन आज एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुके हैं। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें कि जो अखंड वर्ड क्या है। एक बार 1973 में क्या हुआ कि पंजाब में एक बब्बर खालसा नामक आतंकी संगठन ने पंजाब को अलग राज्य बनाने की मांग की थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर उस सारे के सारे मंसूबों को फेल कराया था। तो जो वहां पर वो मांग कर रहे थे कि पंजाब को एक अलग देश बनाया जाए, अलग देश बनाने की मांग की थी, तब तो उसी के बाद में सिख कम्युनिटी में एक रोष पैदा हो गया और जिसके तहत शायद प्रधानमंत्री को मार दिया गया था। तो दोस्तों, क्या हुआ कि 1976 में इस अखंड वर्ड को जोड़ा गया और इसका मतलब ये रखा गया कि अगर भारत के अलावा जो अन्य देश हैं या भारत के अलावा जो कोई भी भूभाग है, अगर भारत में एड होना चाहे, जुड़ना चाहे, तो वो भाग एक के अनुसार जुड़ सकता है, लेकिन भारत का कोई भी भूभाग, कोई भी हिस्सा अगर भारत से इंडिपेंडेंट होना चाहे तो वो बिल्कुल अलग नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं अलग हो सकता, क्योंकि हमारा भारत एक अखंड भारत है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अगर अब हम बात करते हैं कि अगर अगर हम चाहें कि जो रोड जिस पर लोगों को चलने के लिए, आवागमन के लिए होती है, अगर वहाँ पर हम अपनी गाड़ी पार्क करना चाहें या लेटना बैठना चाहें तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हम पब्लिक प्लेस पर दारू पीना चाहें या फिर सिगरेट पीना चाहें तो भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के
हम जमीन पर या किसी का माल हम लेना चाहें तब भी हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर देश को चलाने के लिए संविधान होता है, राजनीति बनती है। तो यहाँ पर हम अगर राजनीति शब्द का अर्थ देखें, राजनीति, राजनीति दो वर्डों से मिला है, राज और धन नीति। राज का मतलब होता है राज्य, देश, संघ, तो किसी भी संघ, और नीति का मतलब होता है विधान, नियम। तो किसी भी राज्य को या देश को चलाने के लिए जो नीति यानी कि विधान, नियम या कानून बनाए जाते हैं उसी को हम राजनीति कहते हैं। अब देखिएगा राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। राजनीति के शुरुआत को समझने से पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि अगर भारत की वर्तमान जनसंख्या देखें तो 1.38 बिलियन है, मतलब 1 अरब 38 लाख यहाँ की जनसंख्या है। तब अगर हम 10 साल पहले देखें तो ऑफ कोर्स यहाँ की जनसंख्या कम रही होगी, 20 साल पहले। ऐसे अगर हम पीछे चलते चले जाएं 10,000, 20,000, 30,000 साल पहले, तो एक ऐसी स्थिति रही होगी कि जनसंख्या बहुत कम रही होगी, जिसको हम आदि समय कहते हैं। आदिकाल में मानव जो है जिनके अंदर इतनी सभ्यता, उनका मस्तिष्क का विकास नहीं था, वो लोग जंगलों में रहते थे और जानवरों की भांति रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे 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 जब लोगों की जनसंख्या बढ़ती गई और उनके अंदर थोड़ा विकास हुआ, उसके बाद वो शिकार करने लगे। शिकार करने के बाद में वो पहले जंगल पेड़ पर रहते थे, धीरे धीरे वो जमीन पर आ गए। जब जमीन पर आ गए तो एक स्थान पर वो रहने लगे। अब धीरे धीरे और भी जो इंसान थे वो भी एकत्रित होने लगे और रहने लगे। फिर क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि किसी जमीन के किसी एक भूभाग की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत जगह जंगल है, लोग रहते रहे होंगे, लेकिन अगर हम एक पार्टिकुलर एक किसी जगह की बात दुनिया में कर लें, यहाँ पर एक जंगल है और यहाँ पर लोग धीरे धीरे रहने लगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 100 लोग आकर इकट्ठा हो गए, 100 लोग इकट्ठा हो गए, तो उनमें से क्या थे कि लोग जब धीरे धीरे पालतू पशुओं को पालने लगे और फिर वो धीरे धीरे उनके अंदर डेवलप जब हुआ मस्तिष्क का, तो वो खेती भी करने लगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये खेती यहाँ पर है, तो इस गांव में एक मान लीजिए जेठालाल है और एक माखनलाल है। अब क्या हुआ कि जेठालाल यहाँ पर खेती कर रहे हैं और माखनलाल यहाँ पर खेती कर रहे हैं। अब जेठालाल एक दिन क्या हुआ कि जो माखनलाल खेती कर रहे हैं यहाँ पर आकर कहने लगे कि ये भी खेती, ये जमीन भी हमारी है। अब क्या हुआ कि दोनों में विवाद पैदा हो गया। अब जो दोनों में विवाद पैदा हो गया, तो यहाँ पर चूंकि जेठालाल बहुत मजबूत थे, लठ के बल पर इन्होंने माखनलाल को मारकर भगा दिया। अब ये जमीन भी इनकी हो गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जेठालाल का जो है वर्चस्व कायम होता गया, इनके पावर के बल पर ये लोगों को, अपने लठ के बल पर लोगों को यहाँ पर लोगों के साथ में नाइंसाफियाँ करने लगे। अब क्या हुआ कि यहाँ पर थोड़ा मामला अराजकता का हो गया। अब जब अराजकता का हो गया तो यहाँ पर जब जेठालाल दूसरों को परेशान करने लगे, तो एक यहाँ पर लोगों के बीच में इनके प्रति गुस्सा पैदा हो गया। तो यहाँ पर जो विवाद की स्थिति बनी, तो अब यहाँ पर विवाद को निपटाने के लिए लोग सोचने लगे कि अब इस विवाद को कैसे खत्म किया जाए, इस लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए। तो यहाँ पर जो 100 लोग थे, अब मान लीजिए कि 100 लोग थे, अब उनमें से लोगों ने ये सोच बनाई कि यहाँ पर क्यों ना कुछ लोगों को ऐसा कर दिया जाए, ऐसी पावर दे दी जाए कि ये लोग जो कहेंगे वही हम मान्य करेंगे। तो सब लोगों की एक सहमति हुई। सहमत होने के बाद में क्या किया कि लोगों ने यहाँ पर आकर एक नियम बनाया, बैठकर एक नियम बनाया कि इनमें से एक को मुखिया बना दिया गया। अब जब जिसको मुखिया बना दिया गया और कह दिया गया कि ये जो फैसला कर देंगे जिसके पक्ष में, वो मान लिया जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि लोग जिस तरीके से, आप जानते हैं कि पूरे विश्व की जनसंख्या 7 अरब से भी लगभग ऊपर हो चुकी है, तो यहाँ पर जिस तरीके से लोगों के जो स्वरूप है यानी कि शकल है एक जैसी नहीं होती, ठीक उसी तरीके से लोगों के दिमाग भी नहीं होते एक जैसे, क्योंकि किसी का विनाशकारी दिमाग है तो किसी का जो है कम गुस्से वाला, ज़्यादा गुस्से वाला। तो यहाँ पर लोगों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, इंसाफ स्थापित करने के लिए, डेवलप पैदा करने के लिए
ऐसा यहाँ पर नियम बनाने की आवश्यकता पड़ी। आप सोच कर देखिए कि अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या हो सकता है। जो पावरफुल होगा वो दमनकारी नीति अपनाएगा और जो कमजोर होंगे उनका शोषण होता रहेगा। तो इन चीजों को बैलेंस करने के लिए ऐसा बनाया गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। अब आवश्यकता क्या है, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि लोगों के बीच में अगर सामंजस्य है और ग्रोथ पैदा करना है तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब देखिएगा कि संविधान क्या है। वैसे संविधान में भी दो वर्ड हैं, सम धन विधान। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब जैसा कि बताया कानून नीति नियम। तो समान है कानून जो, उसे संविधान कहते हैं। लेकिन जो राजनीति है, जो किसी भी राज्य को देश को या ग्राम को चलाने के लिए जो नीति होती है, जब हम उसको किसी भी किताब में लिख देते हैं, जब उसको हम किसी किताब में लिख देते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि बता दिया गया कि शराब पीना गलत बात है और किसी का माल जो हड़पना या किसी की ज़मीन पावरफुल तरीके से हड़पना गलत बात है, लेकिन इसको आप कहाँ लिखेंगे, तो जिस किताब में इसको लिखा गया उसी को हम संविधान कहते हैं। और संविधान का मतलब होता है जो सबके लिए विधान समान होता है उसे संविधान कहते हैं। अब जब अगर राजनीति की आप राजनीति का अर्थ समझ चुके हैं तो आपको इसकी आवश्यकता भी समझ में आ रही होगी कि आवश्यकता आखिर इसकी क्यों पड़ रही है। तो दोस्तों हमने जो राजनीति से संबंधित इन चीज़ों को आपके समक्ष रखा कि आखिर राजनीति क्या होती है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों हमने बताया है कि जो संविधान होता है इनमें जो भाग अनुच्छेद होते हैं और प्रस्तावना होती है, तो अब हम लेकर आने वाले हैं अगली वीडियो की प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना के बाद में हम एक फिर अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। तो अगली वीडियो जो हमारी संविधान से रिलेटेड होगी वो प्रस्तावना में होगी। और प्रस्तावना में जो 10 वर्ण हैं, जो धर्मनिरपेक्ष हैं, सेकुलर यानी कि और सार्वजनिक संप्रभुत्व, इन सब का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों धन्यवाद।